सांसद संजय सिंह के खिलाफ ईडी की कार्रवाई होंगी है, छापेमारी की जाती है और संजय सिंह के घर ईडी की छापेमारी तो बाद विरोधी पार्टियां हम बोलदी नज़र आ रही ने। जे गल करिए भाजपा की तो मनजिंदर सिरसा का वड्डा बयान सामने आया और सारे इल्जाम संजय सिंह ते लाउंदे नज़र आ रहे हैं। मनजिंदर सिरसा का साफ कहना है कि संजय सिंह शुरू तो ही इस मामले दे नाल जुड़े हुए हैं और नाल दी नाल ये भी कहा कि संजय सिंह का पीए भी इस मामले दे नाल जुड़िया होया है। इस घपले दे विच जिहड़ा कमिशन 2% सी उहनूं वधा के 12% कर दिता गया और अंडर द टेबल कई 100 करोड़ रुपया लिया गया और सीधे निशाने साधे ने एक सिंफती लैन लई भावें संजय सिंह जो मर्जी कही जाण भावें कही जाण कि वेंडेटा पॉलिटिक्स है पर जरूर संजय सिंह का हाथ जिहड़ा है इस मामले दे विच दसदे नज़र आ रहे ने। मनजिंदर सिरसा ने सीधे और तिखे वार किए ने संजय सिंह दे उत्ते कहा कि जे इस दे विच शमूलियत सी तां ही ईडी ने छापा मारिया तां ही चार्जशीट दे विच नाम आया और तां ही हुण तक इस हद तक यह मामला पहुँचा। संजय सिंह दे उत्ते तिखे निशाने साधदे नज़र आते हैं मनजिंदर सिरसा और बाकी विरोधी पार्टियां भी लगातार इस उत्ते व्यंगकास नज़र आ रही ने। तड़कसार संजय सिंह के घर ईडी का छापा पै जाता जिस दे उत्ते मनजिंदर सिरसा खुल के बोलते नज़र आए ने, तिखे वार करते नज़र आए ने। उन्होंने जो कुछ बोलिया आओ तुहानू सुनाउने। देखिए शराब घोटाले में निरंतर उनका नाम आता रहा और दिनेश अरोड़ा ने भी अपनी स्टेटमेंटों में बताया था कि वो जो इस घोटाले में उनको इंट्रोड्यूस कराने वाले मनीष सिसोदिया के साथ बाकी लोगों के साथ जो थे वो संजय सिंह थे। ये भी सामने आया था कि जो पैसे का लेन देन हुआ उसमें संजय सिंह के पीए ने वो पैसे का लेन देन में बहुत मोटा बड़ा योगदान रहा। संजय सिंह पहले दिन से ही शराब घोटाले के में मुख्य तौर पर धारा में थे, मुख्य तौर पर उनका रोल था। यही कारण था कि वो बार बार कहते थे कि देखना ईडी मेरे को अरेस्ट करेगी, देखना ईडी मेरे पे रेड करेगी, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका, उनको तो खुद को पता था कि जो मैंने काम किया हुआ है वो तो आना है सामने। अब आप 2% से 12% कमीशन करेंगे वो भी बिचौलियों की, और फिर उनसे अंडर टेबल करोड़ों रुपया लेंगे, एक एक आदमी से 100-100 करोड़ रुपया लेंगे और सरकार को हजारों करोड़ रुपये का नुकसान होगा और प्राइवेट लोगों को 10 महीनों में ही 2-2 हजार 3-3 हजार करोड़ रुपए एक एक आदमी को लाभ होगा। तो संजय सिंह जी सवाल तो पूछे ही जाएंगे, अब पैसे लोगे तो रेड भी होंगी, अब रेड होंगी तो चीजें भी सामने आएंगी तो आप पे कार्रवाई भी होगी। तो इसको वो अपने बचाव में सिंपति लेने के लिए बार बार कहते हैं वेंडेटा पॉलिटिक्स है जी, हमें तो आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी अपनी करप्शन के कारण खत्म हो रही है, आम आदमी पार्टी घोटालों के कारण खत्म हो रही है। आम आदमी पार्टी जो आम थी आजकल केवल प्राइवेट चार्टर जेट में घूमती है, 2-2 करोड़ रुपए की गाड़ी में घूमती है, 50-50 करोड़ रुपए के बंगले में रहती है, इसलिए खत्म हो रही है। ईडी के किसी पॉलिटिकल वेंडेटा के कारण नहीं खत्म हो रही, इसलिए शराब घोटाले में अगर आपने पैसे खाए हैं तो आपको जवाब तो देना पड़ेगा। सब्सक्राइब टू वन इंडिया चैनल एंड नेवर मिस एन अपडेट।